आराम। अभी सुबह का 6 बजा है और आज सुबह आप सभी को टोंडा कॉलेज के न्यू कैंपस घुमाने के लिए लेकर चलते हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। अब मैं गोल जिम पहुंच चुका हूं। उसके आगे जाने के बाद रांची के मछली घर के बगल में पुल का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके कारण ये रोड अभी 1-वे कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इस रूट से आप लोगों को कॉलेज जाने के लिए सिटी बस या ऑटो इजीली मिल जाता है, जो कि आप लोगों को कॉलेज तक पहुंचा देगा। अब हम लोग विवेकानंद चौक पहुंच गए हैं। यहां से हम लोगों को राइट ले लेना है। अब कुछ ही दूर के बाद हम लोग डोंडा कॉलेज पहुंच जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग कॉलेज पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से थोड़ा कैंपस आप लोगों को ईजी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सुबह के कारण अभी यहाँ पर एक भी छात्र नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ पर छात्रों का पूरा भीड़ लगा हुआ रहेगा। अभी सुबह सुबह के कारण अभी यहाँ पे थोड़ा कैंपस खाली है। चलिए आप सभी को अब अंदर की ओर लेके चलते हैं। कॉलेज के अंदर जाने के लिए कॉलेज आई कार्ड या कॉलेज यूनिफॉर्म में रहना कंपलसरी है। अगर आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं तो आप लोगों को सुबह सुबह कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगा। आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा स्टार्टिंग से ही पूरा पार्किंग टाइल्स लगाया गया है, ताकि किसी को भी अपने वाहन को पार्क करने के लिए किसी को असुविधा ना हो। सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं आपको लेकर आया हूँ डोंडा कॉलेज में। मैं आप सभी को डोंडा कॉलेज के जस्ट न्यू बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। आज मैं आप सभी को डोंडा कॉलेज के बारे में विस्तार से बताऊँगा, और मैं हर एक बिल्डिंग में आपको जा जाकर सभी डिपार्टमेंट के बारे में भी दिखाऊँगा और बताऊँगा, तो मेरे वीडियो में बने हुए रहिए। चलिए अब आप सभी को इस कॉलेज के पुराने बिल्डिंग में ले जाकर दिखाते हैं। जैसे ही आप लोग एंट्री लेते हैं तो आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में आप लोगों को इंग्लिश डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, और उसके जस्ट बगल में हिंदी डिपार्टमेंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए आप लोगों को अब फर्स्ट फ्लोर में लेकर चलते हैं। ये देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में एक भी स्टूडेंट पहुँचा है कि नहीं। लगता है सबसे पहले मैं ही आज कॉलेज आ चुका हूँ। तो आप लोग जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि ये भी अभी बंद है। फिलहाल अभी सभी डिपार्टमेंट बंद ही होंगे, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट लगभग 10 बजे के बाद ही खुलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इग्नू डिपार्टमेंट भी है, जो कि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। और इसके जस्ट बगल में ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, साथ ही साथ बगल में लिफ्ट बनाया गया है, किसी भी छात्र को अगर चढ़ने में दिक्कत हो तो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर आ सकते हैं। जस्ट बगल में आप लोगों को ज्योग्राफी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। जस्ट उसके आगे जाने के बाद आप लोगों को साइकोलॉजी और फिलोसफी का भी डिपार्टमेंट है, जो कि ये सब सारा डिपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पर है। अगर किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट की अगर जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकेंड फ्लोर में चलते हैं। ये क्या, सेकेंड फ्लोर तो अभी तक पूरी तरह से बंद ही है। लगता है आज मैं बहुत जल्दी कॉलेज आ चुका हूँ। तो आप लोग जैसे ही आगे जाइएगा सेकेंड फ्लोर पे, तो आप लोगों को वोकेशनल डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जो कि अभी बंद है, लेकिन वोकेशनल डिपार्टमेंट अब न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। आगे मैं आप लोगों को दिख रहा था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, जो कि अभी ये भी बंद है, लेकिन ये डिपार्टमेंट अभी भी यहीं है। लगता है लिफ्ट अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। आगे मैं आईसीटी लैब में, अगर कोई भी छात्र को अगर किसी तरह का अगर एडमिशन की जानकारी लेना हो, या किसी का पेमेंट फंसता हो, या किसी को कोई भी दिक्कत आता हो, तो आप लोग यहाँ कंप्लेंट करा सकते हैं। न्यू बिल्डिंग का कैंपस पूरी तरह से यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब मैं आ चुका हूँ साइंस ब्लॉक की तरफ। साइंस ब्लॉक अभी बंद है, इसलिए उधर मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। आप लोगों को यहाँ से साइंस ब्लॉक के पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, वो साइंस ब्लॉक का न्यू कैंपस बनाया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द वो भी बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले दिनों में डोंडा कॉलेज रांची का टॉप 1 कॉलेज में से एक होने वाला है। पुराना बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर नहीं, प्रिंसिपल चैम्बर भी आप लोगों को मिल जाएगा। जस्ट उसके बगल में आप लोगों को इंटर डिपार्टमेंट भी चैम्बर वहीं पे है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इंटर की जानकारी कुछ लेना हो या एडमिशन कराना हो, तो प्रिंसिपल चैम्बर के जस्ट बगल के डिपार्टमेंट में जाकर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को न्यू बिल्डिंग लेकर चलते हैं। न्यू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में ही पूरा वोकेशनल डिपार्टमेंट है, जहां आप लोगों को MBA, HRM, BBA, MRA,
ये सब की जानकारी आप लोग न्यू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में ले सकते हैं। आप न्यू बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाते हैं तो आप लोगों के हाफ साइड पूरा प्रैक्टिकल रूम बनाया गया है और हाफ साइड में पूरे क्लास अभी भी रन होते हैं। जो ये न्यू कैंपस है बहुत जल्द स्टूडेंट लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोगों को न्यू बिल्डिंग में लगभग वोकेशनल कोर्स की ही पढ़ाई होती है। आप लोगों को वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई के लिए पूरे क्लास में स्मार्ट क्लास कराने के लिए पूरे सिस्टम लगाए गए हैं, तो आप लोगों को चलिए पूरे सिस्टम भी दिखाते हैं। पढ़ाई के साथ साथ इस कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी कराया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का भी इलेक्शन कराया जाता है, उस पर कॉलेज का माहौल एक अलग ही रहता है। आप सभी को मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।